दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बहुत से लोगों को पता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो बेहद खूबसूरत, रहस्यमय और आश्चर्यचकित कर देने वाली है। सवाल जवाब के कम्युनिटी वेबसाइट कोरा.com पे 160 से अधिक जगहों के बारे में लोगों से पूछा गया और उसकी राय मांगी गई, जिनके बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं था और ना ही कभी सुना था। तो आइए आज हम जानते हैं कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में, जिसके बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। पिछले पार्ट 1 में मैंने 6 रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया था, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और सराहा भी। अगर आप लोगों में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, जाकर आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जाकर आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी मैं ज्ञान भर भर कर लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ विक्रम और आप देख रहे हैं मग्दी फैक्ट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, समुद्र में बनी गुफा का रहस्य। आपने जमीन के नीचे और जंगलों में बने गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने समुद्र के अंदर गुफा के बारे में सुना है? जी हाँ, मैं ऐसे ही एक गुफा के बारे में बात करने वाला हूँ, और इस गुफा से जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्य भी है। तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं गुफा की सैर करके आते हैं। फिंगल की यह गुफा स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से दूर अस्टाफा के रॉक आइलैंड पर स्थित है। समुद्र में यह गुफा देखने में बहुत ही आकर्षक लगती है। इस गुफा में जो भी चट्टाने हैं वो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका पत्थर समुद्र में लावा प्रवाह के ठंडा हो जाने से बना है। दरअसल स्कॉटलैंड में लावा प्रवाह के कारण ही यह फिंगल की गुफा अस्तित्व में आई है। फिंगल की इस गुफा को स्कॉटलैंड में उम्बिन कहा जाता है, जिसका अर्थ है लावा की गुफा। इसका नाम यह इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के समुद्र चट्टानों से टकराने के बाद बहुत ही दिलकश आवाजें निकालती हैं। प्रकृतिक के साथ इस गुफा का तालमेल बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से इस गुफा की खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। नंबर 6, ब्राजील के तट पर रहस्यमयी बक्से। ब्राजील के उत्तर पूर्व में स्थित इस खूबसूरत बीच का नाम है प्राया वेला, यानी सुंदर समुद्र तट। लेकिन आजकल यह बीच उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। जुलाई 2020 में उस बीच पर टहलते हुए कार्लोस ताइसोरा को एक अजीबो गरीब रहस्यमयी बक्से मिले। इसके पहले उन्होंने सिर्फ रहस्यमयी बक्सों को समुद्र में तैरते हुए सिर्फ सुना ही था। सियेरा यूनिवर्सिटी में काम करने वाले समुद्र विज्ञानी ने उन्होंने डोचे बेलो को बताया कि यह बक्से अक्टूबर 2018 से ही दिख रहे थे, लेकिन ये कहां से आ रहे थे ये किसी को नहीं मालूम। लोग अटकलें भी लगा रहे थे कि यह बक्से किसी डूबे हुए जहाज की हो सकती है। ताइफ सेरा का कहना है कि पिछले एक साल से 200 से 300 डब्बे समुद्र में बहते हुए देखे थे। इन डब्बों में दिलचस्पी तब बढ़ी जब साल 2019 के सितंबर महीने में कार्लोस ताइसेरा को समुद्र के परत पर मोटे मोटे तेल के थक्के दिखाई देने लगे, और यह तेल सिर्फ उन्हीं राज्यों में दिखा, या कोई संयोग भी नहीं हो सकता था। ताइसेरा ने समुद्र में तैरते हुए वस्तुओं पर अध्ययन करना शुरू किया, और ये रबर के गट्ठे थे और एक डब्बे पर लिखा था फ्रेंच इंडो चाइना। चूंकि फ्रेंच उपनिवेश सिर्फ साल 1954 तक ही था, इसलिए इस डब्बे के और भी पुराना होने की संभावना थी। अब वहां के सरकार से यह सवाल किया जा रहा है कि क्या ये बक्से उस जर्मन जहाज के हैं जिसे साल 1944 में डुबो दिया गया था। नंबर 5, कोलंबिया का ऊंचा कैथेड्रल। पहाड़, जंगल और नदी इक्काडोर की सीमा से लगे कोलंबिया के शहर इपियालेस में बसा गोथिक कैथेड्रल है, जिसका नाम है लास लजास। इसके 100 मीटर नीचे नदी बहती है, और यहाँ का नजारा देखकर ऐसा लगता है कि इसे इंडीज के जंगलों के बीचों बीच उठाकर कहीं से लाकर रख दिया हो। नंबर 4, सफेद संगमरमर की मंदिर। यह है राजस्थान के उदयपुर में रणकपुर का मंदिर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जैन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसकी खासियत यह है कि यह मंदिर 1000 से अधिक नकाशीदार खंभों के ऊपर बिल्कुल रहस्यमय तरीकों से खड़ा है, और ये सभी खंभे सफेद संगमरमर से बना है। इस मंदिर में एक हाथी और 108 सांपों की मूर्तियां बनी है, और इन मूर्तियों की खास बात यह है कि ये सभी मूर्तियां एक ही मार्बल के पत्थरों से तराशी गई हैं। नंबर 3, तिब्बत के पौराणिक पहाड़। हालांकि पूर्व की संस्कृति में माउंट कैलाश काफी विख्यात है,
6600 मीटर ऊंचा यह कैलाश पर्वत पश्चिमी देशों के लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। और कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा के सहायक नदियों के उद्गम स्थलों के निकट है। नंबर 2, पाकिस्तान की रहस्यमयी घाटी। पाकिस्तान का नाम आते ही हमारे मुंह से हमेशा एक ही शब्द निकलता है, PKMKV। परंतु पाकिस्तान में भी एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी स्थान है जिसका नाम है कलश। नाम जितना पवित्र और सुंदर है उतनी ही खूबसूरत और रहस्यमयी भी है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा यह घाटी के प्राकृतिक नज़ारे बेहद मनमोहक है। जानकार लोग वहाँ के सैलानियों से पाकिस्तान की कलश घाटी में घूमने के लिए बार बार सिफारिश करते हैं। नंबर 1, अबू धाबी का रेतीला समंदर। दुनिया की सबसे बड़ी खाली जगह रेत का यह समंदर सऊदी अरब से लेकर यमन, योमान और संयुक्त अरब अमीरात तक फैले हैं। एलिजाबेथ फगन कहती है, मैंने यूट्यूब पर यह वीडियो देखा और यकीन नहीं कर सकी कि धरती पर यह असल जिंदगी में हो भी सकती है। वह कहती हैं कि मैं जब वहाँ गई थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान थी क्योंकि यह मेरी कल्पनाओं से कई ज़्यादा गुना सुंदर था। और आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।